कि अभी तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, लेकिन 2024 निकट आ रहा है, तो आगे 2024 में किसे अपना वोट देना चाहेंगे? उनको जगह पर तो बहुत सारी है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ हैं, जैसे अमित शाह हैं, उनका पार्टी में एक से एक आदमी है। आपसे पूछा जाए, योगी जी क्या प्रधानमंत्री के लिए 2024 के लिए तैयार हैं? बिहार के लोग क्या सोचते हैं इस सवाल पर? अभी देश का जो मांग है वो माननीय नरेंद्र मोदी ही हैं, और वो जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे देश हमारा सुरक्षित रहेगा, और देश हित में जो है सो मोदी जी सब सर्वप्रिय है और विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। जी बिल्कुल, वो तो विश्व गुरु हैं। और कहना यह है कि अब जो पीएम है अभी वर्तमान, वो 2024 के बाद नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी बहुत उम्र हो चुकी है, उम्र का ख्याल। तो नए प्रधानमंत्री के रूप में बिहार किसे स्वीकार करेगा? प्रथम जो है सो नरेंद्र मोदी ये योगी जी, और सेकंड में नितिन गडकरी। भारत में जो है सो रोड सड़क गांव में जाके देखिए, सड़क की स्थिति इतनी अच्छी बनाए है गडकरी जी, और ये सब बिहार सरकार नहीं है, भारत सरकार की देन है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय शुरुआत वहीं से हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनकी तीन इच्छाएं थी, पहला था शहर को गांव से जोड़ना, दूसरा नदी को नदी से जोड़ना कि बाढ़ वगैरह नहीं आए, और तीसरा वन नेशन और वन इलेक्शन। एक ही टाइम में पूरे भारत में सभी इलेक्शन को होना चाहिए, जिससे कि हमको अरबों खरब रुपया का जो है सो बचत होगी, समय की बचत होगी, नेताओं का वाहवाही का बचत होगा, नेताओं का जो वर्चस्व चलता है वो कम होगा, और देश विकास की ओर बढ़ेगी और भारत विश्व में जो है सो एक नंबर पर आए। इतनी अच्छी बात, क्या करते हैं आप? हम आर्टिस्ट हैं, बैजू पंडित मेरा नाम है, हाजीपुर से। मैं मूर्ति बनाता हूं, तभी दुर्गा जी का मूर्ति। आर्टिस्ट होते हुए भी इतनी अच्छी राजनीति में पकड़, और ये बात सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो टाइम की बचत और जो हम टैक्स के रूप में भारत सरकार को देते हैं, उस पैसों की बचत बहुत ज़रूरी है।